इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? ललित कुमार सर। ललित कुमार जी कहाँ से बोल रहे हैं? दहियानवा नव बाजार से सर। बताइए क्या फरमाइश है आपकी? गदर के सुना दो सर गाना। गदर फिल्म का कौन सा गाना? कोई भी सर चलेगा। अच्छा अच्छा, इसके सभी गाने आपको पसंद हैं? यस सर। अच्छा, तो ये गाना तो हम आपको जरूर सुनवाएंगे। और बताइए क्या करते हैं आप? बस गाड़ी चलाते हैं सर। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? टिप्पर सर। तो गाड़ी आपकी कौन सी, ये सब्जी वगैरह की गाड़ी है? नहीं सर, टिप्पर सर, बड़े हाईवा सर। बड़ी गाड़ी चलाते हैं आप? यस सर। अच्छा, कितने दिनों से आप कर रहे हैं ड्राइविंग? 5-6 साल हो गए सर। वही रायपुर में रहते हैं सर, तेलीबांधा साइड सर। अच्छा, गाँव दहियानबांधा बाजार सर। तो यहाँ कौन कौन रहता है आपके साथ? बस अकेला हूँ सर मैं। अकेला परिवार काम रहते हैं सर। और गर्मी तो बहुत बढ़ गई है सर। गर्मी तो देखिए बढ़ ही रही है, लगातार बढ़ रही है। तो इस गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं आप उपाय? बस सर, हम तो गाड़ी में रहते हैं और दुपट्टा वगैरह बांधे रहते हैं सर। तो चलिए ठीक है, आपकी पसंद पर आपको सुनवाते हैं फिल्म गदर का ये गीत। कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं वैसे आकाशवाणी रायपुर का नियमित श्रोता। हम समझ गए, नाम हम बता देते हैं आपका, ठीक है? हाँ, आप हैं हमारे नियमित श्रोता मोहन लाल देवांगन जी। क्या बात है सर जी, देखिए आज आपके यहाँ अलकपुर केंद्र के आने के बाद पहली बार बात हो रही है और जी, आपने आवाज भी पहचानी है सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। नहीं, आप नियमित श्रोता है हमारे और अक्सर आप आते हैं, केंद्र में भी आते हैं। जी तो जी जी, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज से अक्सर क्या है, मैं बालाघाट में पहले बातचीत होता रहा था। जी 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 हाँ, तो बालाघाट के बाद आप रायपुर से कार्यक्रम शुरुआत हुआ है तो आप ये पहली बार मेरा फोन लगा है सर, आपसे बातचीत हो रहा है। जी जी जी, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया सर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी जी, मोहनलाल जी बताइए क्या फरमाइश है आपकी? सर जी देखिए, आज मजदूर दिवस है। जी जी, मजदूर दिवस में सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और आपको आकाशवाणी परिवार की बहुत बहुत बधाई सर जी। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रमिक दिवस की। जी सर, और ऐसा देखिए फिल्म इस समय मैं चुना हूँ रेशम की डोरी और स्वर है सर किशोर कुमार और बोल है चमको पसीना बन के नगीना। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ये तो देखिए श्रमिकों के लिए आपने गाना चुना है, मजदूर भाइयों के लिए गाना चुना है आपने। बिल्कुल बिल्कुल सर, और चाहे हम वैसे खुद भी मजदूर हैं सर, सभी मजदूर हैं दुनिया में, सभी मजदूर हैं, चाहे रंग हो या राजा हो, सभी मजदूर हैं। देखिए काम तो सबको करना पड़ता है। जी हाँ, बिना कार्य करे कुछ किसी को होता नहीं है, इसलिए काम बहुत जरूरी है, काम के बिना कुछ काम नहीं बनता सर। बिल्कुल, और काम सबको करना पड़ता है, पसीना किसी का कम निकलता है, किसी का ज्यादा निकलता है, लेकिन श्रम तो सबको करना ही होता है। समय समय की बात है, जो समय काम जो करे वो उसके हिसाब से, लोग का क्या है जैसे पढ़े लिखे रहते हैं, पढ़े हिसाब से काम करते हैं, निरक्षर है तो उसके हिसाब से काम करते हैं, यानी सभी को काम अवश्य मिलता रहता है। बिल्कुल, और सबसे जीवन रोटी चलता रहता है, आजीविका तभी चल पाती है। मोहनलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे और क्या शौक है आपके? मेरे शौक तो सर रेडियो सुनना है, 17 घंटे रेडियो सुनता हूँ। दूसरा चीज क्या है कि मैं यहाँ सम्मेलन कराते रहता हूँ, यहाँ छत्तीसगढ़ में पूरा यहाँ शुरुआत हुआ है और उसके बाद फिर रोडक जोड़ना, सब कलाकार को सम्मान करना और समाजिक होते रहना, ये दूसरा परिचय होता है सर जी। अच्छा अच्छा, चलिए। और देश और प्रदेश के लोग आते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये देवांगन जी, आप श्रोताओं को और जो प्रसारक हैं सबको जोड़कर रखते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए, आज मजदूर दिवस के अवसर पर इतना अच्छा गीत आपने पसंद किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? बागतरई से बोला रहा हूँ, केशुराम। अच्छा, कितने दिनों बाद लगा कॉल आपका? मेरा तो फरवरी में लगा था सर। अच्छा, आज क्या फरमाइश है आपकी? वो क्या है, मेरा होटल है तो जब तक रहेगा समोसे में आलू वाला सुना था सर, होटल में समोसा बना रहे तो। अच्छा, अरे तो ये गाना आपको इसलिए पसंद है कि आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ है ये गाना? जी सर। ये फिल्म देखी है आपने? हाँ देखी है सर। जय चावला संग में है गाना। तो ये फिल्म से क्या संदेश आपको मिला? ऐसा तो क्या बताऊं सर, ऐसा फिल्म का तो गाना जो है ना ऐसा है, इसीलिए। इस फिल्म में ये बताया गया था कि हमें अपने कर्म पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जी सर।
और किसी भी तरह से हमें भाग्यवादी ना बनकर कर्मवादी बनना चाहिए, कर्म योगी बनना चाहिए। जी सर। हाँ। और बताइए अपने बारे में कुछ। तो सर मैं शायर हूँ। सुनाइए क्या सुनाना चाहते हैं, क्या शायरी है आपकी? आमा और नींबूला तोड़े हूँ खोच कह के, आकाश ने रेडियो ला रखे हूँ सुनोच कह के, पानी ला पिए पिए भले, आकाश में रायपुर नहीं छोड़ेंगे जियत भले, आए रे पानी भुया में बरसे और रेडियो के कार्यक्रम घर में बरसे। यानी सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया सुनते हैं आप हमारे। जी सर। पूरा और दूसरा भी सुनाते हैं और समझाते भी है, लगभग 5 सीजन भी जोड़े हैं होटल में रहते हुए। चलिए ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। हाँ सर जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मुन्ना लाल पटले बोल रहा हूँ सर, ग्राम डोंगरिया मलाजखंड जिला बालाघाट। अच्छा अच्छा, मध्य प्रदेश। हाँ हाँ मुन्ना लाल जी, आप तो नियमित श्रोता हैं हमारे। हाँ सर जी। मुन्ना लाल जी क्या फरमाइश है आज आपकी? आज सर वैसे भी अभी गर्मी का समय है और खासकर सर मैं कहूँगा गाँव देहात में तो पानी की बड़ी समस्या हो गई सर अभी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि गर्मी बहुत अभी भीषण हो रही है। इस साल जैसा जल संकट मेरे ख्याल से अपने इसमें लाइफ में नहीं आया था समझ में सर। हमारे गांव में जो भी वो कुआं थी ना सर, कुआं लगभग टोटल सूख गई है, जल स्तर इतना नीचे उतर गया है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता था। तो देखिए ये चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि इस तरह से जो बारिश हुई नहीं, जो बारिश बंद हुई तो उसके बाद बारिश हुई थी, बारिश हो जाए बीच बीच में तो थोड़ा सा जल संकट इतना नहीं था। जी ये मौसम जो चक्र है ये भी सब परिवर्तित हो गए हैं, अब सब बदल गए हैं जी, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पेड़ों की बेतहाशा कटाई की है, उनका संरक्षण नहीं किया है। तो चलिए और बात करते हैं आपसे, पहले आप बता दें अपनी फरमाइश। मेरी फरमाइश में सर धूप इतनी तेज है तो एक गाना याद आ रहा है मेरे को, धूप में निकला न करो रूप की रानी, कहीं गोरा रंग काला न पड़ जाए। फिल्म गिरफ्तार का ये गीत है। जी जी जी। तो बहुत मौसम के अनुकूल आपने गाना चुना है मुन्ना लाल जी। अच्छा और बताइए आप अपने गांव के बारे में, एक तो आपने बताया कि बड़ी भीषण अभी समस्या है, विकट समस्या है आपके सामने पानी की, जल संकट की। जी हमारा गांव बालाघाट जिले के आखिरी छोर में है सर, यहाँ से छत्तीसगढ़ की परिसीमा शुरू होती है और अभी मैं जहाँ से फोन लगाया हूँ मैं छत्तीसगढ़ में हूँ अभी सर। अच्छा ठीक है। और हमारे गांव में सर बालाघाट जिले मुख्यालय से पक्की सड़क बन चुकी है, आने जाना बढ़िया सुलभ है। अच्छा आपने कहा कि जल संकट है आपके यहाँ, तो इसको दूर करने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी हमारे यहाँ सर सरकार इस ग्राम पंचायत के तहत वो सब तालाब डबरी बन रहे हैं, ये शायद आने वाले इसमें जल संग्रहण हो तो फिर कुछ समय सुखद आए हमारे लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समय रहते चैत गए हैं और ये जो है खतरे की घंटी को आपने महसूस कर लिया है, बाकी जो लोग हैं उन्हें भी ये समझना चाहिए और इस तरह के प्रयास करने चाहिए ताकि भविष्य में जल संकट से बचा जा सके। हाँ हाँ सर। तो आइए हम सब मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म गिरफ्तार का ये गीत। फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, नारायण लाल साउथ सोमी राजनाम से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार जी नमस्कार, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप? फूल और कांटे का सुना देना सर। फूल और कांटे का कौन सा गाना? कोई भी गाना उन्होंने सुना दीजिए। चलिए ठीक है। हाँ। अपने बारे में बताइए कुछ आप। मैं आपके कंपनी वहाँ काम करने जाता हूँ नाइट में सर, कन्वेयर बेल्ट बनता है वहाँ जाता हूँ। अच्छा अपने गांव से जाते हैं आप वहाँ? हाँ गांव से लगा हुआ है, 7 मिनट पहुँच जाता हूँ सर। अच्छा साइकिल से जाते हैं आप? हाँ सर। तो वहाँ आपको कितना मिलता है, पेमेंट कितनी होती है वहाँ से? 92 सौ है, 4 घंटे ओटी मिलता है, 8 घंटे का 92 सौ और 4 घंटे ओटी मिलता है सर। अच्छा अच्छा, तो इससे आपके पूरे परिवार का भरण पोषण हो जाता है? हाँ हो जाता है। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे 2 लड़के हैं और 1 नाती है और हम लोग मियाँ बीवी हैं। अच्छा अच्छा, तीनों लड़की लड़का का शादी हो गए हैं। हाँ संयुक्त परिवार में चल रहे सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राम कुमार जायसवाल, जूना पारा से। जायसवाल जी कहाँ है जूना पारा? सर ये कटपुरा क्षेत्र सर, बिलासपुर से 60 किलोमीटर के दूरी पर। अच्छा, तखतपुर क्षेत्र में है। हाँ जी, और पास में लोरमिया सर। अच्छा, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? हम सर अनूप जलोटा साहब के स्वर में एक भजन सुनना चाहते हैं सर। बताइए। फिल्म का नाम तो पता सर मेरे को आता नहीं है, गाना बता सकता हूँ सर? गाना बताइए। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, मानो तुम्हें बहता पानी, ये वाला गाना। गंगा की सौगंध फिल्म का ये गीत है। हाँ जी सर। और सर मैं एक देना चाहता हूँ सर जी। ईश्वर है सर हमारी इलेक्ट्रॉनिक दुकान को ले आए। अच्छा, तो सर वो भी बहुत आशिक है सर, सुनता है। चलिए ठीक है, आपकी और आपके मित्र की पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। और इन्फॉर्मेश। नमस्कार सर जी। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं भैया, क्या नाम है? सर मैं गज्जू साहू बोल रहा हूँ, ग्राम रहासी से। गज्जू साहू जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? सर वो बिसल बात का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। बिल्कुल, ये गीत हम आपको सुनवाएंगे। हाँ, अपने बारे में बताएं जरा। सर मैं ईट भट्टी में काम करता हूँ वहाँ पे ही। तो थोड़ा बताइए ना, किस तरह से ये काम होता है, कैसे आप ईंट बनाते हैं? अब ये सर मिट्टी का काम होता है, पहले तो हम लोग मिट्टी को पानी से भिगाते हैं, उसको फिर जो अपना फावड़ा होता है, चाहे उसको हम कस्सी बोले या फावड़ा है, उसको मिट्टी को दो बार मिक्स करना पड़ता है, फिर उसको निकाल के बनना पड़ता है सर, एक बॉक्स होता है साचा। हाँ उससे बनाते हैं सर, उससे ईट अच्छा बनता है, फिर उसको बाद में सूखने के बाद ले जाके पका के सेल कर देते हैं घर बनाने के लिए। अच्छा। हाँ प्लस गांव में ही रहते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, रोजगार मिल जाता है गांव में ही। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपको पलायन नहीं करना पड़ता, घर में रहकर ही आपको रोजगार उपलब्ध हो जाता है। तीन चार महीने खेती किसानी कर देते हैं बरसात में। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया बढ़िया। उसके बाद फिर छेरा जो त्यौहार होता है छत्तीसगढ़ में, उसको मान के फिर भट्टे में ही आने का काम स्टार्ट कर लेते हैं। जी जी जी, चलिए आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ये था आज का फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। श्रोताओ, चलते चलते आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि तेज धूप और गर्मी से बचें, ख्याल रखें अपना भी और अपनों का भी। अब अनुमति अगले कार्यक्रम तक के लिए। नमस्कार।